कुछ महिलाएं पहले जाकर ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके तरफ से, आपके माध्यम से अपने तुलसी भवन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने होली के बाद फिर से एक बार हम लोग होली के रंग में आज डूबने का मौका मिला। इसके लिए प्रसन्नजीत जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, बड़ी एक विशेष बात पर चर्चा कर रहे थे कि ये जो आज ये जो मंडली आई हुई है, अरे ऐसा मंडली अब बचा कहाँ है? आने वाला ये जो समय होगा, जो हम लोग का जनरेशन होगा, क्या ऐसे मंडली को देख सकेगा? ऐसा भी हम लोग चिंता कर रहे थे, क्या ये मंडली लुप्त नहीं हो जाए, ये परंपरा ही न लुप्त हो जाए? इसके बारे में भी हम लोगों को आज चिंता करने की विषय है। हम सभी लोग, चाहे यूपी से या बिहार से, झारखंड यहाँ हम लोग रहे हैं, तो हम लोग एक सभ्यता संस्कृति जो है उसको बचाने की भी आवश्यकता है। तो तुलसी भवन हिंदी साहित्य के माध्यम से बहुत कुछ आगे बढ़ चढ़ के काम करती है, तो मेरा आग्रह रहेगा कि अपने सभ्यता संस्कृति को बचाने में भी इनका विशेष रूप से योगदान रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ फिर से होली का एक बार बधाई आपको दें। हम लोग 25-30 वर्षों पूर्व से वैसे होली मिलन की सामान्य स्वभाव में हम लोग होली के पहले करते हैं, परंतु तुलसी भवन में यह हम सब होली के बाद पश्चात में मनाते हैं। नगर के सभी विद्वान, साहित्यकार और सम्मानित लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और इसको होली के बाद मनाने के कारण हम लोग फूलों से ही खेलने का प्रारंभ करते हैं, इसको प्रयास करते हैं और फूलों से होली खेलते हैं। और इस अवसर पर साहित्यकार लोग तो अपनी रचनाएं रखते ही हैं, परंतु हम स्थानीय कलाकारों को भी बुलाते हैं जो कि पुराने फगुआ और चैता इस परंपरा को कायम रख रहे हैं। जैसा कि आदरणीय समाज से भी श्री शिवशंकर जी का उसमें चिंता है कि यह परंपरा आगे कैसे चलेगी, तो इस कारण से ऐसे ही शुभेच्छुओं के कारण हम सब सोच कर चल रहे हैं कि इन परंपराओं को हम बढ़ावा दें, याद करें, क्योंकि एक तो डर हो रहा है, ऐसे मंडलियों में अधिकतर 60 वर्ष और उसके ऊपर के लोग दिख रहे हैं, नई पीढ़ी भी इससे जुड़े, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है तुलसी भवन के मुख्य सभागार में हुआ, इसमें करीब 70 के ऊपर साहित्यकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, वह 4 बजे से कर रहे थे और तत्पश्चात बागबेड़ा की जो है कीर्तन मंडली है उसमें 11 कलाकार हैं, उसमें सभी झाल, ढोलक और नाल और हारमोनियम पर सभी कलाकार सहायता दे रहे हैं। उनको शिवशंकर जी ने पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया।